जीके 24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि दो मेटाडोर जो कि आपस में कोलाइड हुई है, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि सांबा के सुम के फ्लाई ढाका में दुर्घटना जो है वो देखने को मिली है, जहां पर सुम इलाका के फ्लाई ढाका में जो है ये दुर्घटना पेश आई है, जहां पर करीबन दो गाड़ियां जो है वो आपस में टकराती है और करीबन 17 यात्री जो है वो घायल हुए हैं। साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सुम इलाके में जो है वो यानी कि सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें दो गाड़ियां दो मेटाडोर आपस में कोलाइड हुई है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो मेटाडोर है जो कि आपस में कोलाइड हुई है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देखिए, सुम इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पे सुम इलाके में जो है वो सड़क हादसा पेश आया है, दो मेटाडोर आपस में कोलाइड होती है और जो की 17 यात्री इसमें मौजूद थे इन दोनों मेटाडोर में, और 17 यात्री जो है वो इस समय घायल बताए जा रहे हैं और उनमें से एक माइनर बच्चा भी है जिसे चोट लगी है। फिलहाल मैं आपको बता दी चलूं कि 6 जो है उन्हें PHC सुम्प जो है वो ट्रांसफर किया गया है उपचार के लिए, और 7 पैसेंजर जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें सांबा अस्पताल जो है वो भेजा गया है। साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। गाड़ी आप देखिए, दो गाड़ियां जो है वो आपस में कोलाइड होती है और कोलाइड होने से जो है यानी कि जिस प्रकार से वहां की एक महिला जो है जो उस समय वहां पर मौजूद थी, उसका यह साफ तौर पर कहना है कि ये कारण जो रहा, यानी कि जिस प्रकार से ये दो गाड़ियां मेटाडोर आपस में कोलाइड हुई हैं, उसका कारण ये है कि एक ड्राइवर जो कि फोन पर व्यस्त था और उसका ध्यान भटक गया, जिसके चलते ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि 17 यात्री इसमें सवार थे, यानी कि 17 पैसेंजर इसमें सवार थे दोनों मेटाडोर में, जो कि समय घायल बताए जा रहे हैं और 7 गंभीर रूप से घायल हैं। और तस्वीरें आपने देखी कि किस प्रकार से ये सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर मेटाडोर की बात करें तो मेटाडोर का जो फ्रंट शीशा है वो भी टूट चुका है और एक बच्चा यानी कि एक माइनर बच्चा है जिसे चोटें लगी हैं और 7 इस समय जो है वो गंभीर रूप से जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये सुम इलाके में जो है ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है, तस्वीरें जिस प्रकार से आपने देखी कि किस तरीके से ये सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है, जहां पे सुम्ब इलाके की बात करें तो वहां पर ये सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जिस प्रकार से आपको बताते चले कि लगातार जो है वो सड़क हादसे देखने को मिलते हैं, जहां पर लोग अपनी जाने गंवा देते हैं और गंभीर रूप से जो है वो घायल हो जाते हैं। फिलहाल इस सड़क हादसे की बात करें तो ये सड़क हादसा जो है वो सुम्ब इलाके में पेश आया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जिस प्रकार से आपको बता दें कि एक महिला का ये साफ तौर पर कहना है कि ड्राइवर जो है एक महिला का ये साफ तौर पर कहना है कि ड्राइवर जो है वो फोन पर लगा हुआ था, यानी कि फोन पर था और ध्यान उसका भटक गया, यानी कि फोन पर व्यस्त था और ध्यान उसका भटक जाता है, जिसके चलते ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। और देखिए किस प्रकार से एक महिला का ये कहना है, हालांकि पुलिस जांच कर रही है क्या कुछ यानी कि किस प्रकार से ये सड़क हादसा हुआ है, लेकिन एक महिला का जो समय वहां पर मौजूद थी, उस महिला का ये कहना है कि फोन पर ड्राइवर लगा हुआ था, यानी कि फोन पर व्यस्त था, ध्यान भटक जाता है और ध्यान भटकने के कारण ये सड़क हादसा पेश आया है। क्योंकि सड़क की बात करें तो वहां पर कोई भी मोड़ नहीं है, तीखा मोड़ नहीं है, जिसके कारण सड़क हादसा हो और आपस में दोनों गाड़ियां जो है वो कोलाइड होती हैं। और लगातार इस प्रकार के सड़क हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं और कई ऐसे हादसे भी पेश आते हैं जब ड्राइवर जो है वो अपने फोन पर व्यस्त होते हैं और इस प्रकार की सड़क दुर्घटना यानी कि सड़क हादसे जो है वो पेश आते हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और 17 यात्रियों को जो है वो अस्पताल भेजा गया, जिनमें से 6 यात्रियों को यानी पैसेंजर्स को जो है वो PHC भेजा गया है और साथ ही साथ सांबा अस्पताल जो है वो 7 यात्रियों को भेजा गया है जो कि गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आती है वो भी आपसे साझा करेंगे। और इन 17 यात्रियों में से यानी कि 17 पैसेंजर्स में से एक माइनर बच्चा भी है जिसे चोटें लगी है, और कारण जिस प्रकार से महिला का कहना है कि ड्राइवर फोन में व्यस्त था और ध्यान भटक जाता है, जिसके चलते गाड़ियां यानी कि दो मेटाडोर आपस में कोलाइड होती है। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा।